ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੈਲੋ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਐਨ ਡੀ ਯੂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਐਨ ਡੀ ਯੂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਸਰ ਕਿਆ ਹਮ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਬਾਅਦ ਮੇ नहीं दे सकते मतलब अगले साल या फ्यूचर कभी बिल्कुल जब आप एलिजिबल होना चाहते हो तब आप दे सकते हो मैंने कहा है बीएड के बाद भी बीएड के साथ भी बीएड से पहले भी दे सकते हो या बीएड में एडमिशन लेने के साथ ही देना है कोई ज़रूरी नहीं है ये तो टाइम बचाना है अगर आपने टाइम बचाना है आगे चल के साल लग जाता है दैट इज़ वाई आप बचा सकते हो एंड एडिशनल पेपर देना क्यों ज़रूरी है क्योंकि एडिशनल पेपर दे नाल जिने बच्चों ने जनरल सब्जेक्ट मान लो जनरल इंग्लिश पढ़ी हुई है और उन्होंने इंग्लिश दे टीजीटी ली एलिजिबल बनना है तो गवर्नमेंट जॉब की एलिजिबिलिटी की है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़िया हो तीन साल पढ़िया हो ना जनरल तीन साल तो पढ़िया है लेकिन तुसी इलेक्टिव नहीं पढ़िया इसलिए तो वो पेपर देना पैंदा है कई ऑड सब्जेक्ट ने बीबीए है बीए है बीटेक है फैशन डिजाइनिंग है इस तरह के कोर्सेज किए हुए ने जिहड़े स्कूल सब्जेक्ट नहीं है सो तुहानू स्कूल सब्जेक्ट विच जिहड़ा है करने पैणगे वो सब्जेक्ट नॉर्मली जिहड़े हैगे है इंग्लिश है पंजाबी है हिंदी है मैथ्स है सोशल साइंसिज सारिया आ जांदियां उन्हां दे विचों चार है हिस्ट्री पंजाब हिस्ट्री जोग्राफी इकनोमिक्स ते पोलिटिकल साइंस है ना सो फिजिकल एजुकेशन वगैरह है पर उस लई एक डिप्लोमा करना पैंदा है तुसी जॉब दी एलिजिबिलिटी देखनी है जो ऑलरेडी तुसी इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़िया है तो तुहानू कोई जरूरत नहीं है टीईटी के एग्जाम के लिए एडिशनल पेपर के बिना हम टीईटी क्लियर कर सकते हैं यस आप कर सकते हो टीईटी के लिए एडिशनल एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है नहीं है जॉब के लिए है जॉब के लिए है ठीक है ये एक बात को समझ लेना नेक्स्ट है सर बीएड क्लास कदों स्टार्ट होएगी 11 सितंबर प्रपोजल है 11 सितंबर आने वाली है जल्दी है सर जी तुसी कहा कि सैकेंड काउंसलिंग सीट 29 डिस्प्ले हो जाएगी वीडियो पा दी है डिस्प्ले हो गई सीट्स पा दी गई है वीडियो इस दे नाल ही देख लो इस तो पहला वीडियो ही आई है सर प्लीज़ रिप्लाई मुझे पता नहीं है मैं देना चाहता रिप्लाई लभना पड़ना सर प्लीज़ दस दो कि गलती नाल अर्बन की जगह रूरल फिल हो गया है हुण करना की है तुसी ईमेल एड्रैस दिता होया है इस दे नीचे भी दे दिना हाँ ईमेल जिहड़ा यूनिवर्सिटी का उसनू दस देना मेरा गलती नाल अर्बन फिल हो गया है तो मेरा रूरल किया जाए तो वह कर देंगे डिस्क्रीपेंसी के डेज ये शायद कल तो ही शुरू हो रहे हैं ना मैं देख के दस दिना हाँ ये 29 तरीक है अज डिस्प्ले वेकेंट सीट्स हो गई हैं 30 ते 31 ऑनलाइन अपडेशन ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स बाय कैंडिडेट है ना ये हो गया शिफ्टिंग है डिस्क्रीपेंसी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग इस मेल एड्रेस पे तुसी मेल करनी है हाँ रिपोर्टिंग डिस्क्रीपेंसीज ऑनलाइन थ्रू ईमेल ओनली एट 5 सितंबर टीचर्स डे वाले दिन है ठीक वापस चलते हाँ अपने पहले अड्डे ते एयर है सैकेंड काउंसलिंग डेट सैकेंड काउंसलिंग 29 तरीक तो अज स्टार्ट हो चुकी है जिमें कि इतने दिखा के आया हाँ पहला भी ये सारिया टेंटेटिव डेट्स दसिया हैं ये 29 तो स्टार्ट है 30-31 नूं तुसी अपडेट करने ने जिन्हां दे बीए दे रिजल्ट लेट आए ने और शिफ्टिंग दे पेमेंट 30-31 नूं ही होएगी तुसी मेजर सब्जेक्ट फिल करने हैं जिहड़ी तुहाड़ी काउंसलिंग का मेन पार्ट है 1 तो 3 है 4 सितंबर नूं मैरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी और डिस्क्रीपेंसीज तुहाड़ियां 5 तरीक नूं तुसी दसनियां होणगियां 6 तरीक नूं फाइनल मैरिट लिस्ट आ जाएगी ठीक ये गल्लां सारियां हो चुकियां हाँ वापस चलते हाँ सो सर कैटेगरी दे अकॉर्डिंग ही मिलेगी बिल्कुल कैटेगरी वाली डिवीज़न हिलेगी नहीं जिमें कि वीडियो पा दिती गई है दस भी दिता गया है वेकेंट सीट्स है वेकेंट सीट्स दे विच जाके तुसी कोई भी यूनिवर्सिटी मान लो ये भरते हो ओके कॉलेज कोई भी भरते हो मान लो इत्थे डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन ए वूमेन भर दिता सो इस दियां 200 सीटा हैं इन्हां विचों 109 भरिया हैं 91 खाली हैं सो ये देखो डिवीज़न जो खाली सीटा की है कैटेगरी के कोटे के मुताबक हैं जिमें पहली काउंसलिंग विच सी उस तरह ही चल रहा है
नेक्स्ट है सर, मैं बीएड सेम वन, माय मेजर सब्जेक्ट कॉमर्स एंड माइनर सब्जेक्ट इंग्लिश, आई हैव स्टडीड इंग्लिश इन बीकॉम एट जस्ट 2 ईयर, इट इज़ नॉट इलेक्टिव सर, काइंडली गिव एडिशनल पेपर। हाँ, आपको एडिशनल पेपर देना पड़ेगा टीजीटी के लिए, तभी आप एलिजिबल होगे, है ना सर। मैं देना पड़ेगा आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट। सर मैं इलेक्टिव इंग्लिश पोलिटिकल साइंस कंप्यूटर किया है ग्रेजुएशन विच, ते जिथे मैं एडमिशन लेना है एसएसटी मेजर सर माइनर इंग्लिश दे रहे ने कि मेरा कंबिनेशन सही ही है। हाय बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि तुसी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है ना, इंग्लिश इलेक्टिव पढ़ी हुई है, बिल्कुल ठीक है, माइनर है। हुणे तुहाडी मर्जी है कि तुसी कंप्यूटर लेना है जां ए लेना है। जे पोलिटिकल साइंस लेंदे हो तां तुहानूं हिस्ट्री दा 6 semester दा जिहड़ा 2 semester विच दिसंबर ते जून विच हो जाएगा, उहदे एडिशनल पेपर देने पैने हैं। इह तुहानूं क्वेश्चन पुछण दा फायदा यह हो सकता है कि तुहानूं एडिशनल पेपर देने पैने आ, फिर तुसी एसएसटी लई एलिजिबल होवोगे। ये बैटर है इस तरह करना। कंप्यूटर जो लेंदे हो एडिशनल नहीं देना पड़ेगा, पर कंप्यूटर दी पोस्टां घट हुंदियां हन, ये रिपीटेड कई बार दसिया जा चुका है। सर जिहड़ी 1000 रुपया शिफ्टिंग दी फीस है पहला पे करनी है? देखो राजे मैं ये तो दस रहा हाँ, तुहाडा क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इत्थे जो लिखिया है पंजाब स्टेट कोटा ए है ना, टेंटेटिव एक्टिविटी, सॉरी टेंटिव एक्टिविटी, इतने 30 ते 31 1000 रुपया पे करने लिए किया गया है। तुसी 30 अज 29 है, कल दे देना है, परसों का भी है, इसलिए पहला ही चेक करके देखो जे पे हुंदा है तो पे कर दो। ओके सर, सैकेंड काउंसलिंग विच कैटेगरी खत्म हो जाती है? नहीं खत्म हो जाती, मैं दस चुका दिखा चुका हाँ। सर फर्स्ट काउंसलिंग जो कॉलेज अलॉट होया सी उत्थे रिपोर्ट नहीं किया, फिर असी शिफ्टिंग फीस फिल करनी पैनी है सैकेंड काउंसलिंग च। जेकर तुहाडा तुहानू फर्स्ट चॉइस मिली सी, फर्स्ट चॉइस, ओके चॉइस जिहड़ी सी उही कॉलेज सी, उह तुसी रिपोर्ट नहीं किया, फिर 1000 रुपया देना पैना है। जेकर जिहड़ा कॉलेज मिलिया है वह सैकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बाद वाली चॉइस है, फिर तुहानू 1000 रुपया नहीं देना पाया। ये पिछले साल रूल सी, उस दे मुताबक दस रहा हाँ, हुण यूनिवर्सिटी ने कुछ भी क्लीयर नहीं किया। सर मैं तीनों साल मैथ पढ़िया है, तीनों साल म्यूजिक, माइनर च मैथ रख लवा कि मैं गवर्नमेंट जॉब एज मैथ टीचर एलिजिब होऊंगा? बिल्कुल होगे, तुसी माइनर मेजर नहीं देखना, इत्थे तीनों साल जो पढ़िया है वो इक्वल बन जाना है, रख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। तो म्यूजिक का कॉम्बीनेशन बन सकता है, जे म्यूजिक मिलता है मैथ दे नाल, मेरे ख्याल नहीं मिलेगा म्यूजिक मैथ दे नाल, जे मिलता है ठीक है, अदरवाइज तुहानू लैंग्वेज लैनी पएगी, जो तीसरा सब्जेक्ट तुहानू दसना चाहिए सी। सो तुहाडा मैथ बिल्कुल है, बेशक मेजर लै लो बेशक माइनर लै लो, दूसरा तुसी म्यूजिक जे बनना चाहते जे कि कॉलेज मिलता है जरूर लै लो, है ना। नैक्सट है पर जेडे कॉलेज तुसी प्रैफर करना है उत्थे पहला माइनर सब्जेक्ट इस तरह आ, देखो राजे लिखे हैं इत्थे ये पहला लिखे हुए हैं माइनर सब्जेक्ट इन्हां कोल केड़े ने, कंप्यूटर एजुकेशन इकनोमिक्स वगैरह, पर नाल पुछ लो कि इहदे नाल तुहानूं ये मिलता है जे दिंदे ने, है ना, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, क्योंकि तुसी यूनिवर्सिटी नहीं दसी, सो पुछ के फिर तुसी अप्लाई कर सकते हो और कॉलेज पहला देख के। सर मैं फरीदकोट कॉलेज विच एडमिशन लेना चाहनी, मैं फर्स्ट काउंसलिंग विच भी एक कॉलेज डॉक्टर चेतन दे ठीक है भरिया सी कि मेरा पेरेंट्स नू दूर किसी कॉलेज नहीं लाना, मैनू दूजी गल कि प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत अफोर्ड है, तो क्वेश्चन की है तुसी दसो कि 3 कॉलेज भरना जरूरी है? यस, तुसी 3 कॉलेज है, कॉलेज लिखा होया है, हुण मैं की कर सकता हाँ, 3 कॉलेज है, तुसी को भर दियो ना, रिपोर्ट करियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि तुसी कंडीशन जो यूनिवर्सिटी ने कहा वो नहीं फिल करोगे, वो करनी ही पैनी है 100% सही। अच्छा सर जो आप माइग्रेशन की पेनल्टी 10,000 बता रहे हो, पेनल्टी मैंने गुरु नानक देव जी की तरफ से, वो प्लीज़ रिपीट करना, क्या हमें पेनल्टी पड़ेगी माइग्रेशन की पेनल्टी? 10,000 नहीं बोली, 1,000 बोली थी यार, 1,000 होगी या 1500 होगी, इतनी सी होगी, 10,000 नहीं होगी, ये गलत हो गया, 10,000 नहीं है, बिल्कुल नहीं।
1500-2000 इससे ज़्यादा नहीं होगी, तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। सर तो पंजाबी यूनिवर्सिटी के इंप्रूवमेंट के एग्जाम से वीडियो ठीक है जी। सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी के लिए सबमिट कराने के कितने टाइम में होता है ना, ये बता दिया। ये आपको एक महीने तक यूनिवर्सिटी एडमिशन के डेट से एक महीना होता है, लेकिन कॉलेज आपको 15 दिन देगा, फिर कॉलेज ने भी यूनिवर्सिटी पहुँचाना है। सर अगर हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम पर सबमिट नहीं कराते तो क्या इशू क्रिएट होगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी? कुछ नहीं क्रिएट होगा, आपको टाइम दिया जाएगा और आपको 1000 रुपया जहाँ जितना लेट होते जाते हो, 1000 से 1500 हो सकता है, 1500 से 2000 हो सकता है, लास्ट में आपका आपका एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, रोल नंबर भी मिल जाएगा, आपका RL आ जाएगा। RL में आपका होगा कि आपने माइग्रेशन वो देना है, उसके बाद आपका रिजल्ट मिलेगा। सर PSTET क्लियर होने तो बाद असी मार्क्स इनक्रीज करन ले दोबारा एग्ज़ाम देना है, बट असी उस दे वीडियो विच पहला नालों मार्क्स घट रहे जान ता क्लियर ना होवे ता फर्स्ट वाला वैलिड रहेगा? बिल्कुल, देखो जो रिकॉर्ड है ना, एक बंदा रनिंग में दौड़ता है तो जब तीन बार, जो वेट लिफ्टिंग वाले भी हैं उनको 3 चांस दिए जाते हैं तो वो उठाते हैं ना, 3 चांस, 3 चांसेस में वो पहले मान लीजिए 200 किलो उठाता है, फिर वो कहता है 2 किलो और डाल दो, उठा लेता है, और तीसरी बार नहीं उठाया गया, 202 किलो वाला रिकॉर्ड रहना ही रहना है हाईएस्ट वाला। तो आपका भी ऐसे ही है साहब, आपका लाइफ टाइम वैलिड है, आप 10 बार फिल करो, जो हाईएस्ट वाला है मार्क्स वाला है वो सबमिट करवाओ। सर बिल्कुल वैलिड है। सर प्लीज़ पंजाबी यूनिवर्सिटी जानिए माइग्रेशन दे वीडियो ठीक है जी। सर बीएड दियां क्लासां कदों शुरू होनगियां? 11 सितंबर नूं। सर मेरी एडमिशन होएगी हो गई है बट मेरे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, क्या मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा? सभी को मिलेगा एक महीने का, लेकिन आप 20 दिन मान के चलो, 15 दिन मान के चलो, क्योंकि टाइम ऐसे दौड़ता जाता है। अगर आपने जल्दी माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाना है ना, ऑब्जेक्शन के लिए मेल चेक करो, जब पर्सनली वहाँ वैसे वो आने देते नहीं हैं, ये बात कह नहीं सकता मैं, वहाँ जाके के ऑब्जेक्शन पता कर लो है ना, इमीडिएट अपनी वो चेक करते रहो ईमेल और जो लिंक दिया है फ़ोन है ना। लिंक्स ऑफ रिलेटेड वीडियो आर गिवन बिलो इज नॉट गिवन बिलो। हाँ ऐसे है ना कि जब मैंने इतनी वीडियो बनानी होती है तो उस वक्त वो लिंक नहीं पड़ता, तो मैं कैप्शन एडिटिंग आवाज़ ऊँची करने के लिए एडिट करता हूँ, तो वो मैं डाल देता हूँ कि लिंक गिवन बिलो, लेकिन वो बाद में इतनी वीडियो एक एक दिन में 8-8, 10-10 वीडियो बनाता हूँ, वो डालने का टाइम नहीं मिलता, और उसके लिए सॉरी, वेरी सॉरी। सर DLED बारे भी इन्फॉर्मेशन दे दो, कदों एडमिशन है? हाँ मैं दिना है, कल एक अद्धे दिन च दे दिना। PSTET पेपर, CTET पेपर वाले जी हो, इस विच एडमिशन होंदे सार ही बिल्कुल तुसी एलिजिबल हो DLED विच, हुण तो तैयारी करो, जिन्हां ने एडमिशन लेनी एडमिशन मिल जाएगी। सो ऐतकी वो होना है, टेस्ट होना है ना, वो मैं दस दिना हाँ कि सर PSTET ते CTET दे एग्जाम ओनली मेजर सब्जेक्ट दे होंदे है? नो, वो जिहड़ी वीडियो पाई है ना उसनू देख लो, उहदे विच PSTET दे विच 7-8 ऑप्शन दित्तियां गईआं हन, तुहानू तुसी उह 8 ऑप्शन चो एक चूज़ करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है, साइंस है, मैथ साइंस एक ही है, सोशल साइंस है, ठीक है, म्यूजिक, म्यूजिक पता नहीं है कि नहीं, होम साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, उर्दू है, संस्कृत है, बाकी ऑड जो कॉम्बीनेशन है। सो तुसी उन्हां चो फिजिकल एजुकेशन है उन्हां चो एक चूज़ करना है, उन्हां चो 60 क्वेश्चन आने हैं, 60 के विचो 15 पैडागोजी के होने हैं, 45 जिहड़े हैं वो इस सबजैक्ट के होणगे, जिहड़े तुसी अच्छे दे सकते हो उसनू चूज़ कर सकते हो, क्योंकि ग्रैजुएशन जिहड़े पढ़े हैं नैचुरली उसके ही क्वेश्चन ज़्यादा बैटर होणगे ना। सर पेपर निकल दे केड़ी साइट च, आप प्लीज़ लिंक मेंशन कर दो। सर पेपर निकलन दे कदी, चलो मैं साइट का ख्याल रखांगा, मैनू पूरा पता नहीं लगा। सर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन PTU दे अंडर की हुई है, BEd गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दे अंडर करनी है, तो मैं हूँ कुड़ी प्लीज़ टैल मी कि मेरे सारे सर्टिफिकेट BEd एलिजिबिलिटी ले हाँ जाने हैं। नॉर्मली जेडे PTU तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो आउट ऑफ पंजाब तो हैं जाते हैं, पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी सारे सर्टिफिकेट नहीं मंगती, मोस्टली लास्ट वाला सर्टिफिकेट ओरिजिनल मंगती है, कई बार हुण वो भी नहीं मंगे जाते, फोटोस्टेट मंगे जाते हैं, कॉलेज की जिम्मेवारी होंगी है, ठीक है। जे मंगे जा रहे हैं
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਓਰਿਜਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਪੀ ਐਸ ਟੈਟ ਅਤੇ ਸੀ ਟੈਟ ਅਗਰ ਕਾਲਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਸਰ, ਪੀ ਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੀ ਐਸ ਟੈਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੀ ਟੈਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰ, ਬੀ ਐਡ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ? 11 ਸਪਤੰਬਰ ਤੋਂ, 11 ਸਪਤੰਬਰ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, 29 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਤੋਂ 3 ਤੋਂ ਤੱਕ ਚੁਆਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। 30 ਅਤੇ 31 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਲੋਡ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਫੀਸ ਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪੈਂਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੇਜਰ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਰ ਮੈਥ ਰੱਖਾਂ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੈ। ਸਰ, 28 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟਸ, ਹਾਂਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀਡੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਐਨ ਡੀ ਦੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਕਿੱਥੋਂ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਰ, ਕਿਆ ਹਮ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਤੇ ਹਾਂ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹ। ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਕੇ ਸਾਥ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਤੇ ਹੈ? ਯੈਸ, ਦੇ ਸਕਤੇ ਹੋ। ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੋ ਪੱਕਾ ਦੇ ਸਕਤੇ ਹੋ। ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੇ ਆਪ ਦੇ ਸਕਤੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਹਾਂ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਨੁਅਲ ਸਿਸਟਮ ਮੇਂ ਕਿਤਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਹੋਂਗੇ ਔਰ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਆ ਹੋਗਾ? ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁੱਛੀਏ ਪਹਿਲੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਤਾਈਏ ਕੌਣ ਸੀ ਹੈ। ਬੀ ਏ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਲੈਕਟਿਵ? ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏਗੀ ਰਾਜੇ, ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਰ, ਜੈਸੇ ਆਪ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸੀ ਮੈਂ ਬੀ ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਤੇ ਹੈ? ਕਿਆ ਯੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਐਡ ਪੂਰੀ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀ, ਹਾਂ ਜਹਾਂ ਸੇ ਯੂਨੀ ਬੀ ਐਡ ਦੂਸਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ, ਯਾ ਐਸੇ ਇਸਕੋ ਯੇ ਰਹਾ ਕਿ ਬੀ ਏ ਯਹਾਂ ਸੇ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਐਨ ਡੀ ਯੂ ਸੇ ਮੰਨ ਲੀਜੀਏ, ਔਰ ਬੀ ਐਡ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀ ਯੂ ਪੀ ਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਧਰ ਸੇ ਕੀ ਬੀ ਐਡ, ਇਹ ਬੀ ਐਡ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣਾ ਥਾ, ਤੋ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬੀ ਐਡ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਜੀ, ਬੀ ਐਡ ਅਤੇ ਬੀ ਐਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਦੱਸ ਦਿਉ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹਾਈ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਦੇ ਫਲੱਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਹਾਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਓ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਲੱਭੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚਲੋ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਆਨਸਰ ਆਫ ਯੂਅਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਰ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਬੀ ਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਨਰ ਅੰਡਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਲਸੋ ਐੱਮ ਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਨ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਗੋਟ ਟੂ ਨੋ ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਟੇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਐਂਡ ਯੂ ਸੁਜੈਸਟਡ ਦੈਟ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਫੋਰ ਪਟਿਆਲਾ ਔਰ ਸਮ ਅਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਟ ਸਰ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਫਿਊਚਰ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਟ ਸਰ ਵਿਲ ਦੇਅਰ ਬੀ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਫ ਆਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ, ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿਲ ਅੰਡਰ ਦਾ ਅਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਅਗਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ? ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਨੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਟੂ ਸੇਵ ਮਾਈਸੈਲਫ ਫਰੋਮ ਦਾ ਆਲ ਦੀਜ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀਜ਼? ਕੈਸੇ ਬਦਲੋਗੇ ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਤੀ ਤੋ ਕੈਸੇ ਕਰੋਗੇ? ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਚੂਜ਼ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਅਦਰ ਸਬਜੈਕਟ? ਦੇਖੋ, ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਪੋਸਟ ਕਮ ਹੈ, ਚੂਜ਼ ਆਪ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੋ ਯੇ ਬਤਾਨਾ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸਟ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਅਦਰ ਸਬਜੈਕਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਯੈਸ ਆਪ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਇਲੈਕਟਿਵ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਸਕਤੇ ਹੋ, ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਆ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਨਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋ ਆਪਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਨਰ, ਹੈ ਨਾ,
तो उसके बाद आप कोई लैंग्वेज भी ले सकते हो जैसे पंजाबी भी, और आप हिस्ट्री हिस्ट्री प्लस आपको पॉलिटिकल साइंस दो करने पड़ेंगे, फिर आप एसएसटी के लिए एलिजिबल होगे। ये है, ये इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है ना, दैट इज़ वाई दो करने पड़ेंगे। सर रूरल एरिया सिलेक्ट हो गया, हूँ अर्बन फिल करन ले की करना है चाहिदा है, प्लीज़ दस दो। 5 सितंबर नू डिस्क्रिपेंसीज जानिया है, उस दिन दस देना, 5 सितंबर नू मेल कर देना यूनिवर्सिटी नू। सर मैंने फर्स्ट काउंसलिंग विच कॉलेज अलॉट हो गया से रिपोर्ट नहीं की, गल हो चुकी है। मेरे ख्याल से काफ़ी ने ये अज्ज दे सवाल। थैंक यू।